सुपरहिट फिल्म RRR को रिलीज हुए एक साल बीत चुका है, लेकिन ये फिल्म अब तक टॉक ऑफ द टाउन है। RRR के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर जीतकर इतिहास रच दिया, लेकिन ये फिल्म अपने ऑस्कर कैंपेन को लेकर कंट्रोवर्सी में आ गई। रिपोर्टेडली पहले ऐसी खबरें आई थी कि SS राजामौली ने RRR के ऑस्कर कैंपेन के लिए 80 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसके बाद चारों तरफ हंगामा मच गया। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हर कोई है बेताब। वेल, क्या सच में RRR के ऑस्कर कैंपेन के लिए इतना खर्चा हुआ? इस सवाल का जवाब अब मिल चुका है। रिपोर्टेडली इस पूरे मामले पर खुद फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली के बेटे SS कार्तिकेय ने स्टेटमेंट दिया है। मीडिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, हमने ऑस्कर कैंपेन को 5 करोड़ रुपए में रैप अप की योजना बनाई थी, लेकिन इसमें 8.5 करोड़ रुपए का खर्च हो गया। वेल, अब ये बात तो तय हो गई है कि RRR के कैंपेन के लिए 80 करोड़ का खर्च नहीं हुआ है। वेल, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? डू कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब koimui.com।